पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ 27 लाख से अधिक किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। किसानों को 15वीं किस्त मिल चुकी है, जबकि 16वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि पीएम किसान की 16वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक 16वीं किस्त के 2000 रुपए उन्हीं किसानों के खाते में आएंगे जिन्होंने ये चार काम पूरे कर लिए हैं। अगर आप भी इसकी अग्रिम किस्त का लाभ पाना चाहते हैं तो दिए गए स्टेप्स का पालन जरूर करें। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना और वित्तीय सहायता प्रदान कर एग्री बिजनेस को बढ़ावा देना है। पीएम किसान के तहत पैसा सीधे किसानों के खाते में जाता है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम माना जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 16वीं किस्त का फायदा उठाने के लिए आपको ये काम करना चाहिए। अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक रखें। अपने आधार सीडेट बैंक खाते में अपना डीबीटी विकल्प एक्टिव रखें। अपना ईकेवाईसी पूरा करें। पीएम किसान पोर्टल में नो योर स्टेटस मॉड्यूल के तहत अपनी आधार सीडिंग की जांच करें। ईकेवाईसी कराने के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ईकेवाईसी करा सकते हैं। पीएम किसान मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। किसान सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ईकेवाईसी करवा सकते हैं। किसान pmkisan.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ओटीपी के माध्यम से भी ईकेवाईसी करा सकते हैं। आपको फेस ऑथेंटिकेशन के लिए कैमरा का उपयोग करके अपने चेहरे की एक तस्वीर देनी होगी और फिर आपकी पहचान जांची जाएगी। आपको किसान सम्मान निधि योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, बैंक खाता और जमीनी दस्तावेज आदि को साथ ले जाना होगा।